हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सलोनाकर। मेरा विशाल, आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। आपको हम जाए से लेके जाने का, आपका वीजा भेजने का, वीजा भेजो। ये बोल रही है मम्मी के कहने का ये मकसद है कि प्लीज जैसे हमें आना है, जैसे भी आना आना है, आना है यार। हमें नहीं पता, हमें बुलाओ आपसे। हम क्या बोले, हम ऐसे नहीं आना जैसे सीमा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आना। आप हमें इन्वाइट करेंगे तो हम भी आएंगे। हम ऐसे लोग नहीं है कि दूसरों की पढ़ाई करके तो आ जाए, नहीं। मतलब यार हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान की बुराई कभी भी नहीं करते, नहीं करेंगे। मतलब हम तो चाहते हैं कि आप सब हमें इनवाइट करें अपने कंट्री। वो भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है, बिल्कुल दोनों हमारे अपने ही घर हैं। सब सब वहाँ पे भी अपने, यहाँ पे भी अपने रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें इन्वाइट कीजिए इंडिया में। तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं उसी हवाले से वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि एक पाकिस्तानी हिंदू फैमिली जिन्होंने इंडिया रिसेंटली मतलब विजिट किया, वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाले हैं और वो बताने वाले हैं कि भाई इंडिया में अम्मी 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है। ओहो, देखते हैं ऐसा इस वीडियो में। ऐसे सही बात है, ऐसा इस वीडियो को देखते हैं ऐसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा हो जाए तो हमें क्या चाहिए, जन्नत ही इस दुनिया में मिल जाएगी। तो ऐसा करते वीडियो को देखते हैं ऐसे पहले चैनल, इधर तो बिजली बहुत महंगी है, देखते हैं आज की। लेकिन वहाँ जो एक आम बंदा है उसके लिए तो बहुत इजी होगी अगर मतलब महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो। बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से पूछा यार कि आपकी कितनी सैलरी है, उसने कहा यार मैं 6000 रुपए। मैंने कहा 6000 तो बहुत कम, बोले रवि भाई इसमें से भी 3000 रुपए हमारे बच जाते हैं। ओए वाकई इंडिया जो राशन फ्री मिलता है, कुछ ऐसा भी इन्होंने सिस्टम रखा हुआ जिनके दो बच्चे उनको वजीफा दे रहे होते हैं, क्या बात है। कुछ जगहों में शायद बिजली भी फ्री है दिल्ली में, या कहीं मैंने सुना है 200 यूनिट बिजली फ्री। हर दूसरी पाकिस्तानी वीडियो में ये लोग बोल रहे थे, अब ये कि कहाँ कहाँ है ये थोड़ा आप कमेंट करके बताइएगा। कश्मीर में है ये तो मुझे पता है, और कुछ नहीं पता होगा तो ये जरूर बोलते हैं यार 200 यूनिट या इतने यूनिट। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मेरे साथ जो है रवि भाई हैं। नमस्ते रवि, कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। और लता दीदी भी हमारे साथ हैं। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और फ्रेंड, जैसे कि आपने पहले भी हमारा एक वीडियो इनके साथ देखा होगा, और ये लोग जो है इंडिया यात्रा पे गए थे और उस हवाले से जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, शेयर किया था। लेकिन काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए थे कि यार दोबारा भी एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन टाइम मिल नहीं रहा था बीच में, या इनको भी टाइम इतना नहीं मिला, या किसी वजह से जो है दोबारा हम नहीं बना पाए। लेकिन आज मौका मिला है, और उससे पहले, सब चीज़ों से पहले, रवि भाई का चैनल भी है, तो चैनल के बारे में रवि भाई थोड़ा बताइए। लता रवि यूट्यूब चैनल है हमारा, और आपको उसमें इंडिया की सारी जर्नी हमारी मिल जाएगी। अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और वैसे भी बता दें नाम, ताकि जो है लता रवि यूट्यूब चैनल, लता रवि यूट्यूब चैनल, सही। तो उसमें जो वीडियोस लता मंगेशकर जर्नी से हटके भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान कम्युनिटी से रिलेटेड जो है मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाए, लेकिन ये इन्होंने इतनी ज़्यादा डीप में बनाई हैं और एक एक चीज़ को कवर करते हैं, और डेली जो है, और रवि भाई और जो है दोनों काफ़ी जो है इधर उधर अक्सर हमें कोई भी ऐसा इवेंट हो कराची में तो ज़रूर नज़र आते हैं। तो मेहनत कर रहे हैं, और हमारी जो है कोशिश भी है कि हम सपोर्ट जितना कर सके, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा जो है चैनल जो है ग्रो करेगा। पहले भी आप सब सपोर्ट तो करेंगे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर जाएं तो वैसे, अच्छा ये बताएं दोबारा भी जाने का क्या हो कुछ? बस प्रोसीजर में है, देखिए इंशाल्लाह होगा, मार्च अप्रैल तक का है। क्या बात है, अप्रैल तक का फिर जाना भाई। इंडिविजुअली अब जाएंगे, पहले तो ग्रुप में गए, ग्रुप से ही जाएंगे क्योंकि ग्रुप से तो नहीं जा सकते। अच्छा, मेरे लिए भी काफी लोग पूछ रहे थे यार तुम्हारा क्या हुआ, ग्रुप से आना जा सही बात है, क्या बात करें। इनविटेशन लेटर जो है मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब पर्सनल चीज़ मैं शेयर तो नहीं कर पाऊंगा, और आजकल तो वैसे भी YouTube ने एक पॉलिसी की, आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर करते हो तो उस वीडियो को ही जो है डिलीट कर देता है यूट्यूब, या आपको वार्निंग दे देता है। ये मेरे साथ हुआ था, किसी एक का मैंने पर्सन का इंटरव्यू किया था जो इंडिया से होके आए थे, तो उनके वीज़ा की डिटेल मैंने शेयर की थी तो वीडियो डिलीट हो गई थी। डायरेक्ट मैसेज मेरे पास, ईमेल आ गई थी कि भाई आपने पर्सनल डिटेल क्यों शेयर की। कई लोग कहते हैं ना यार आप जो है वीडियो में डिटेल नहीं देते हो, या कई पिक्चर्स नहीं होती हैं, या होती हैं तो हम ज़रूर शेयर करते हैं। तो इसमें भी मैं कोशिश करूँगा कुछ क्लिप्स वगैरह, कुछ पिक्चर्स वगैरह जो है वो भी शेयर आप लोग के साथ ज़रूर करूँ। तो रवि भाई कैसा रहा था ये एक्सपीरियंस पहली बार जो है जाना? बहुत अच्छा लगा हमें तो, और हम क्या बताएं, 20 दिन का वीज़ा मिला था, 20 दिन हमने वहाँ जब गए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 20 साल हमने वहाँ
गुजारे, बहुत अच्छा लगा वहाँ के लोगों का, बहुत अच्छा था। जिनको पता चलता था कि हम पाकिस्तान से आए तो वो खास तौर पे हमसे मिलते थे, खास ट्रीटमेंट दिया जाता था, करते थे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हर तरीके से हमारी फेवर में थे। और वहाँ का जो हमने देखा, क्योंकि हमारा सफर जो सारा था वो बस का सफर था, ट्रैवलिंग जितनी भी थी हमारी बस, वॉल्वो बस थी आई थिंक, वॉल्वो बस बड़ी सही है, हमें ट्रैवलिंग की। और सबसे पहले हम पहुँचे थे हरिद्वार, हरिद्वार से फिर पहुंचे मनसा देवी, मनसा देवी के बाद फिर हम गए दमो, और अच्छा बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ। और हम तकरीबन चार दिन वहाँ रहे, फिर उसके बाद हम गए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी टेम्पल, वहाँ के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोगों को बिहेव भी बहुत अच्छा तकरीबन, और वहाँ के रोड और जो ट्रांसपोर्ट में देख के मेरे जो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ कितनी डेवलप है, हम बहुत पीछे, वहाँ के जो देखे हमने जो रोड वो बहुत ज्यादा आ गए हैं भाई, ट्रांसपोर्ट देख के, क्योंकि हमारे पास अभी तक वो 70 चल रहा है। अच्छा ट्रांसपोर्ट की रवि भाई आपने बात की, सॉरी आपको जो है डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में, के नितिन गडकरी एक उनके जो है सरनेम, शायद मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ लेकिन मेरे ख्याल में यही नाम है, यूनियन मिनिस्टर है वहाँ के, अब इस वक्त भी मेरे ख्याल में होंगे क्योंकि बीजेपी से ही हैं और मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी जी के जो है उनकी मतलब उसमें कैबिनेट में, तो उन्होंने काफ़ी, हमने सुना है कि इंडिया में रोड्स वगैरह हाईवेज वगैरह बनाने में उनका काफ़ी हमें अच्छा है, उन्होंने काफ़ी नितिन गडकरी रहने ना, आपने पर्सनली देखा तो मतलब रोड वगैरह का सारा काम देखता है तो रोड्स तो वहाँ में जितना मैं ट्रैवल किया कहीं झटका नहीं हमें, क्या बात है, इतने तो झटके ही बड़े लगते हैं ट्रैवल करते रहो, ऐसा नहीं हुआ और बहुत अच्छे थे। और हमारे वहाँ तो नॉर्मल ये छोटी बाइक इस्तेमाल होती है, बहुत तो बाइकें बाइकों की हैवी, और वो बच्चियाँ भी चला रही है तो हमारी लेडीज भी थी, हमारे बहनें बेटियाँ वो भी सब स्कूटर पर जाते, बिल्कुल हैरानगी हो गई मुझे वहाँ जाके देख के कि स्कूल पे बच्चियाँ जा रही है, कॉलेज में जा रही है, और साइकिलों पे जाती है बच्चियाँ वहाँ घर से निकल के, और तमाम वहाँ पर जो है एजुकेशन बहुत हाई लेवल का है, मैंने वहाँ तकरीबन बच्चों को खेलते हुए नहीं देखा, एजुकेशन देखा तो किताबें और बैग ले जाते हुए देखा, क्या बात, इसी तरीके से वो पढ़ाई में से उनका इंटरेस्ट है, और कोई आपको बाहर नहीं नजर आएंगे, शाम के टाइम भी हम घूमे वहाँ सारे, मगर हमें बच्चे कहीं पर नजर नहीं आए, जो नजर आते और थोड़ा सा भी बस को बताएं, बस मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे वहाँ के खाने बहुत अच्छे लगे, खाने अच्छे, हाँ लेडीज का तो काम ही यही है कि भाई खाने अच्छे लगे, और मैं खाने बहुत सीख के भी आई हूँ, अच्छा सीख के, अच्छा तो मैं रवि भाई से पूछता हूँ कि रवि भाई जो तजुर्बा कामयाब रहा है या नहीं, जो मतलब बहुत नहीं जो बनाए खाने, अभी जो जो हमें हमारी धर्मपत्नी ने बना के दिखाए ना खाने, वो बहुत बिंदास थे, बहुत आनंद भाई थे, हमने कुछ वीडियोस में डाली है उसकी भी, बनाने की भी हमने, कौन कौन से खाने आपने यहाँ पे बनाने के ट्राई की, मतलब जो वहाँ के, मैंने बिस्किट बनाए, अच्छा और आपने समीर भाई आपने नहीं देखे बिस्किट का ब्लॉग, नहीं बिस्किट वाली वो वीडियो मैंने अभी मैंने साग लोग बिस्किट सर्च की, अभी मैंने साग बनाया, अच्छा पराठे बनाए की रेसिपी बनाई, मतलब दो तीन बनाई अच्छी। वैसे सबसे ज्यादा आपको वहाँ क्या खाने में क्या अच्छा लगा, वेजिटेरियन खाने में क्या अच्छा लगा, पनीर के पराठे अच्छे लगे, मैं तो वही खाती थी, अच्छा। और रवि जी लोग दूध चाय पीते थे, आपके एक, एक हमने वीडियो देखी थी रोड साइड पे आप लोग बैठे हुए और खा रहे हैं, वो क्या खा रहे थे रवि भाई, दाल चावल दाल चावल खा रहे थे, रोड अच्छी चीज थी, पराठा था, मैंने टपरी बोलते हैं वहाँ या क्या बोलते हैं, हम तो यहाँ स्टॉल बोलते हैं, और मैं पराठा भी बनाया मैंने, हाँ ठेला वो ढाबा 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 तो जैसे एक रेड़ा जो होता है ना, वो रेड़ा ही था, रेड़े के साथ वो ढाबा तो वो वहाँ पर चलती थाली, वो 40 रुपए में 20 रुपए की थाली थी, जिसमें एक पराठा था और दो किस्म की सब्जियाँ थी, चावल भी था, तो बहुत मतलब बंदे का पेट भर जाता है 20 रुपीज के अंदर एक बंदा जो है, अच्छा, चलो 40 रुपए वहाँ के, हम कन्वर्जन की बात करते हैं जो है करेंसी का जो कन्वर्ट करके फिर हम बात करते हैं, 40 रुपए चलो मान लो पाकिस्तानी 130 रुपए बनते हैं, 130 रुपए में यहाँ मिल सकता है इतना, नहीं 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 भाई नहीं मिलता, और वो असल चक्कर पता है कि वहाँ जो है सारा खर्चा वो, क्योंकि वो गायें हर घर के बाहर गाय बैल यही पालते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हाँ दूध भी इसका निकालते हैं, दही भी इसी से बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, और फिर असली घी भी, तो जहाँ भी आप जाएंगे और जिस पनीर हमें बड़ा खाने देने जैसे किसी ढाबे में जाएं वो आपको लाइफ ये सारी सर्विस देते हैं, आप जब ऑर्डर देंगे आपके सामने तो हमारे तो बने हुए अभी हम जब ऑर्डर लेकर आपको फ्रेश देगा बिल्कुल, पोहा भी खाया,
ये कह रहा हूँ कि वहाँ का दूध जो है ना, आप यकीन करें एक दफा पी लेंगे ना तो 24 घंटे तक उसकी जो है लगेगा कि बस। अच्छा, थोड़ी सी कुछ कड़वी बातें भी मैं आज करना चाहूंगा जरूर, क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे। वजह है मतलब चाय अच्छी यहाँ क्यों नहीं मिल पा रही है? नहीं नहीं, पानी भी अच्छी है, मतलब दूध हमें सही क्यों नहीं मिलता? असल चक्कर ये है कि वो उनके पास जो ना गाय भैंसे हैं, वो उसी टाइम दूध निकाल के ना वो चाय भी बनाते हैं, तो फ्रेश बनाते हैं आपको, फिर उसमें एक चीज ऐड करते हैं, वो अदरक। अदरक का मेन बड़ा मजा आता है, ऐड करते जो पर्सनली वो अदरक जो करते ना वो उसको बहुत ही उसमें समझे कि चाय का अच्छा हो जाता है। और फिर वो कह रहे थे कि गर्मी के अंदर हम इलायची का यूज करते हैं, तो खैर गर्मी में तो हम नहीं थे, ठंड में गर्मी से कहते हैं इलायची, सर्दी से अदरक है, चीज है, दूध भी लेंगे अदरक ना, बड़ा सही रहता है। मेरा कहने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं पाउडर का इस्तेमाल भी तो हो रहा है ना हमारे यहाँ, जो की फर्क अगर दूध की बात की जाए, सिर्फ दूध मिलावट करके बेचते हैं, हर जगह का अपना एक होता है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कड़क चाय लोग ज्यादा पीते हैं, जो पत्ती तेज वाली जो है वहाँ शायद थोड़ा, लेकिन दूध की जहाँ तक बात है तो अब भैंस तो दूध पानी वाला नहीं देगी ना, तो अब तो बात पानी से भी आगे जो है पाउडर तक आ गई। तो बहरहाल ये कि अच्छा, और उसके अलावा आपको क्या, कौन सी चीज़ ने इम्प्रेस किया, आपने कहा कि यार ये चीज़ तो मतलब मैं देखे पाकिस्तान में अगर ये चीज़ होगी तो बहुत टाइम के बाद शायद कभी हो जाए, कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगता है कि? मुझे तो ये ऐसा लगता है कि जब आप गए तो वो हर चीज़ ही वहाँ की अच्छी लग रही थी, और काफ़ी तरक्की कर गए अब तो हर चीज़ देखने से। आप जब खुद जाएंगे तो आपको एक अंदाज़ा होगा कितना फ़र्क है हमारी लाइफ में और वहाँ की लाइफ में, वाकई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। वहाँ के वहाँ पर रहने और लोगों का ये कि सुबह तकरीबन 4 बजे उठ जाते हैं वो, और 7 बजे के बाद आपको वहाँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा नज़र आएगा, 9 बजे के बाद तो लोग तकरीबन आपको नज़र नहीं आएंगे, बहुत कम लोग, दुकानें वगैरह बंद हो जाती है, और फिर इसके बाद ये कि सब अपने घरों में चले जाते हैं, तो एक लाइफ स्टाइल उनका बिल्कुल चेंज है। और फिर सुबह उठते हैं सर, सबसे पहले जो उठने के बाद वो स्नान करते हैं, नहाते हैं, और उसके बाद वो सीधा मंदिरों में चले जाते हैं, अपने मंदिर में पूजा करते हैं। सबसे पहले वहाँ पर मैंने देखा हमारी भाई बहनें बेटियों को बहुत अच्छा लगा कि सुबह सबसे पहले जितनी भी ठंड हो वो सबसे पहले नहाते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर पूजा करते हैं, रसोई में जाके वो बनाते हैं और फिर वो नाश्ता करते हैं। तो ये चीज़ बहुत डिफरेंट मुझे लगी कि यार ये एक चीज़ मुझे देख के, क्योंकि हमारे मुंह से तो धुआं ही निकल रहे थे ठंड की वजह से, तो हम पानी को हाथ लगाते हुए, मैं तो वो हम तो यहाँ के रहने वाले जाहिर सी बात है, यहाँ तो आपको पता है कि हम नाश्ता ऐसे उठ के मुँह धोया, कुल्लू की ब्रश किया। रवि भाई एक चीज़ बताइएगा कि वहाँ पे जो है दुकानें वगैरह किस टाइम खुलती थी, मार्केटें वगैरह मोस्टली जहाँ भी आप गए हैं? तो सुबह में सुबह तकरीबन 8:30 बजे से 9 बजे तक सब नाश्ते के लिए जब हम जाते थे जी। तो गए, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का उनका एक्सपीरियंस। यार बहुत ही अच्छी वीडियो थी, और सच्ची में 100% जो होता है ना, 100 आने जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल सच इन्होंने बात की। 16 आने, हाँ भाई 16 आने, सॉरी, बहुत अच्छी इन्होंने बात की। हमें मतलब हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा डरते हैं नहाने से, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा डरते हैं, लेकिन डरते हैं बहुत ज्यादा कि यार पानी मतलब आ जाएगा हमारे जिस्म पे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम शायद मर जाएंगे। लेकिन वो साफ सुथरे लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के पहले सबसे पहले बात लेते हैं, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पे यार पता नहीं क्यों मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, हमारे यहाँ पे क्यों आदत नहीं डाली गई शुरू से ही बच्चों को कि आप सुबह सुबह सबसे पहले स्कूल जाना होता, क्योंकि बच्चों ने तो उनको आदत डालनी चाहिए हमारे माँ बाप को कि आप सुबह सुबह सबसे पहले आपको नहाना पड़ेगा, फिर ही आपके दिन की शुरुआत होगी। वो खुद नहीं नहाती तो उन्होंने हमें कौन सा बोला, आप भी नहा लो, आप मुझे नहा दी। मेरी अम्मी भी नहाने से इतना ज्यादा डरती है, मैं अम्मी को इतना बोलती हूँ अम्मी ज्यादा से ज्यादा नहाया करे जितना ज्यादा हो सके, लेकिन पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे ये नहीं चीज समझ में आती। लेकिन अगर बात की जाए यार इंडिया के लोगों की, तो वो हमें बहुत ज्यादा उनमें फुर्ती है, वो मतलब ये नहीं काहिल लोग नहीं है, जैसे पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा काहिल है ना। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इन्होंने बताया ना कि 8:30 बजे सभी शॉप्स वगैरह खुल जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने टाइम पे उठना, टाइम पे अपना काम करना। यहाँ पे आप लाहौर में जाए कब कितने बजे दुकानें खुलती हैं? 12 बजे। 12 नहीं, 1-2 बजे, 1-2 बजे आपको पता है आधा दिन गुजर गया होता है, तो तब इन्होंने शॉप्स खोलनी है 1-2 बजे, और रात के 10-12 बजे तक इन्होंने शॉप्स खोल के रखनी है। पता नहीं यार कैसे लोग हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती। एक रूटीन होनी चाहिए इंसान की लाइफ में, सुबह उठो आप पहले अपना बात करो, फिर आप खाना खाओ, फिर आप अपने काम पे जाओ, और रात के 7 बजे तक बहुत होता है शॉप्स खोलना, और उसके बाद बंद कर देनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा सेहत के लिए भी जरूरी है, इंसानी लाइफ के लिए भी। वो लोग ऐसे ही नहीं इतने ज्यादा आगे बढ़ गए,
उनके आगे उनके ऊपर हाथ जिनका है ना उनकी वजह से हो गया। और उन्होंने बताया कि भाई रोड्स जो है हमी वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, झटके नहीं लगते। हाँ झटके इधर तो अंदर पेटा बाहर आ जाता अंदर पेटा वो जो हार्ट का पेशेंट होता है ना, अगर उसको फर्ज करे हार्ट अटैक आ जाए रास्ते में, उसको दो तीन और आ जाएंगे वो नहीं हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा, वो वैसे ही मर जाएगा। ऐसी रोड जाए भाई 200 यूनिट्स तक हमें बिजली फ्री दी जाती है, ये कितनी अच्छी बात है यार। वहां पे हर चीज सस्ती है, सही बात, इतनी सहूलत उन्होंने दी हुई है। और हर मंथ हमें आपके बच्चे जितने भी है ना उनके हिसाब से आपको राशन दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, सिलेंडर दिया जाएगा, हर चीज आपको। अगर आप इस काबिल नहीं है आप हुकूमत को बताएंगे हम इस काबिल नहीं है तो वो आप सबको देंगे। तो ये मुझे तो यार ये इंडियन गवर्नमेंट की ये चीज मुझे तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, हमेशा मैं तो अपनी हजारों वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि यार इंडियन गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट है जिन्होंने अपने लोगों के लिए इतना काम किया। अगर ये हुकूमत हमारे यहाँ पे आ जाए तो हमारी तो मौज लग जाएगी, लेकिन हम बदनसीब लोग हैं, हमें कहा हमारे नसीबों में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और मैंने जो आपसे काम कहा है ना वो जरूर करना है आप हाँ। सबने हमें इनविटेशन लेटर जरूर वहां से भेजना है और बताना है कि हमें वीजा भेज रहा है। वीजा वो नहीं भेजेंगे, वो हमें इनविटेशन भेजेंगे, फिर हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, फिर ही हमारा वीजा लग पाएगा। हाँ। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई हमें कर पाए? अगर है हमारे अपने क्यों ना करें, आप सब हमारे अपने ही तो हैं। ऐसा करते हैं कौन अपना बन के दिखाता है वो पता चला जाता है, अब पता चलेगा हमें। तो ऐसा करते हैं वीडियो को करते हैं एंड, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलता है।